सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के 10 मूल महामंत्र। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता के लिए लगातार प्रयास भी करता है, लेकिन जिस तरह से उसे प्रयास किए जाने चाहिए उस तरीके से नहीं करता है। सबका अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने से चूक जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मन में निराशा का भाव उठने लगता है। प्रयास तो वो करता है, लेकिन जब सफलता मिलने की बिल्कुल तैयारी होती है उस समय पे प्रयास करना वह बंद कर देता है। जैसे आपको बता दिया जाए कि अमुक स्थान पर खजाना है और आप खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं, और खजाना खोदते खोदते जब खजाना निकलने ही वाला होता है तब आप खजाने को खोदना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ निर्मित होती है कि हम किसी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं तब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ना बंद कर देते हैं और दूसरे काम की तरफ हमारा भटकाव पैदा हो जाता है। तो मित्रों आज हम इसी बात को लेकर के आपको एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी देना चाह रहे हैं। हम आपको 10 सफलता के ऐसे सूत्र, ऐसे महामंत्र आपको बताएंगे जिनको जानने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। लेकिन उन सब को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, जिससे आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि आप निश्चित सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ये महामंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको आपको जीवन में धारण करना है, जीवन में इनको काम में लेना है, इनके माध्यम से ही आप सफल हो सकेंगे। जैसे आपको एक छोटी सी बात हम बताते हैं कि आप किसी नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ घूमने जा रहे हैं और आपका मित्र कहता है कि चलो हम नदी में आज तैरने का काम करते हैं, अर्थात तैराकी करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता है और आप उस नदी में तैर नहीं सकते हैं और सारे दोस्त तैरते हैं, तो आपको ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है कि काश मुझे भी तैरना आता। तो यही संसार है, यही जीवन है, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें ध्यान रखनी होगी जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो जीवन के संसार सागर में आपको, जीवन की नदी में आपको तैरना आ जाएगा। इन बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर से आप जो है आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहली बात यह है, यदि आप शहद खाना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि मधुमक्खियां आपको जरूर काटेगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो आपको रास्ते में पड़ने वाली परेशानी, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप तैयार है तो अपना कदम बढ़ा दीजिए, आज ही कदम बढ़ाइए। दूसरी बात है कि जिन लोगों के पास खाली समय होता है वह हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करते हैं। आपको जीवन में ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। यदि आपके जीवन में इस समय ऐसे लोग हैं तो वह आपको उतना सफल नहीं होने देंगे जितना आप उनसे दूर रहकर सफल हो सकते हैं। तीसरी बात है, जीवन में कोई भी कार्य अचानक या संयोग से नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे काम स्थायी नहीं होते हैं। आपको वही कार्य आपकी जिंदगी भर साथ देते हैं जिनको आपने सोच समझ कर एक योजनाबद्ध तरीके से उसको क्रियान्वित किया है।
अतः संयोग में नहीं बल्कि अच्छी योजना में आप विश्वास रखिए। चौथी बात है, आपके द्वारा बोले गए शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण आपका कार्य होता है। जीवन में हमेशा ऐसा काम करो कि लोग आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके कार्यों से आपको पहचाने। यानी आप किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि आप उस कार्य को पूरा कर देते हैं यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यही जीवन की असली सफलता है। पांचवी बात है, आपको कोई भी काम करने से पहले हमेशा दूर की सोच करके चलना चाहिए। इसके लिए आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे करने से पहले यह सोच आपको बना लेनी चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि इसका सकारात्मक रिजल्ट हो तो कार्य करना आज ही शुरू कर देना चाहिए। अतः अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि किसी कार्य के भविष्य में क्या परिणाम होंगे इसकी परख आप अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। छठी बात है कि समय धन से अधिक मूल्यवान होता है, अतः आपको धन के साथ ही समय का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धन को आप खोने के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आपने किसी समय को खो दिया तो वह किसी भी कीमत पर आपको प्राप्त नहीं होगा। और सातवीं बात है कि जीवन के बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्टकट से काम नहीं बनता है, अतः आपको प्रत्येक कार्य में शॉर्टकट की तलाश नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य में जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितने समय की जरूरत है, वह आपको खर्च करना ही होगा, तभी वह कार्य आसानी से हो पाएगा और उसके अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त हो सकेंगे। हमारा जीवन 10 गियर वाली एक मोटरसाइकिल की तरह होता है। इन 10 गियरों में से बहुत से गियरों की हमें जानकारी नहीं होती है। यदि होती भी है तो वह हमें अपने जीवन में बहुत से गियरों का इस्तेमाल ही नहीं करने देते। अतः यह बात अपने आप में समझ ले कि जितना अधिक गियरों का आप प्रयोग करेंगे उतने ही आप सफल और सकारात्मकता की ओर बढ़ते जाएंगे। नवा पॉइंट है, जीवन में आप बहुत से कार्य करते हैं और कई बार आप उनमें सफल होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, लेकिन आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। जीवन में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, अच्छे व्यक्ति वह होते हैं जो इन सभी कार्यों को पूरा करते हैं और सफल व्यक्ति वह होते हैं जो इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के हिसाब से पूरा करते हैं। अर्थात हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी और आप एक महान और सफल व्यक्ति जीवन में बन सकेंगे। और दसवीं बात है कि यदि आपको कोई सांप मिलता है तो आप उसे मार देंगे। आपको सांपों पर कमेटी बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो आपको तुरंत उसे दूर करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए और दूर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस परेशानी को लेकर के आप दिन रात सोचते रहे और उसको सोचते सोचते ही आपका सारा समय व्यर्थ में निकल जाए। सबको बताएं लेकिन उसके समाधान के बारे में नहीं सोचे तो फिर कैसे आप सफल होंगे। तो आपको जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप जो भी करें अच्छे रास्ते से करें, अच्छे तरीके से करें और सुव्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से सकारात्मक विचारधाराओं को लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक सफल व्यक्ति होंगे और सफलता के साथ साथ आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह सफलता के कुछ महामंत्र हमने आपको बताए हैं। आप इनको यदि जीवन में धारण कर लेते हैं, इनके अनुसार यदि आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी और आपके अंदर
एक भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। और जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें वो सकारात्मक ऊर्जा प्रेरित करती है। और उसी प्रेरणा को लेकर के जब हम किसी काम में लग जाते हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो निश्चित तौर से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।